फोन फ्लाइट मोड पे था ना इसलिए। क्या हुआ? तो यार आप लोगों ने मिस्टर इंडियन हैकर का ये हैंडशेक प्रैंक वीडियो तो जरूर देखा होगा, जिसमें उन्होंने अपने दोस्तों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया था। तो आज मैं उस डिवाइस को बनाने के दो तरीके बताने वाला हूँ जिसे मिस्टर इंडियन हैकर ने यूज़ किया था खुद को स्टैटिकली चार्ज करने के लिए। और इसे बनाने का जो दूसरा तरीका है वो बिल्कुल फ्री है और आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसे फ्री में कैसे बनाना है ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखना होगा। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक हाई वोल्टेज जनरेटर मॉड्यूल जो कि अप्रोक्स 300 रुपीज़ का मिल जाता है और इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मॉड्यूल डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है जो कि आपको जोर का झटका भी दे सकता है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए 3.7 वोल्ट का बैटरी चाहिए जिसका पॉजिटिव टर्मिनल रेड वायर से कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल ग्रीन वायर से, और सेफ्टी के लिए एक स्विच भी लगाना जरूरी है। तो अब एक बार इसके आउटपुट करंट को देखते हैं। तो यार आप लोग देख सकते हैं ये कितना पावरफुल मॉड्यूल है। और मैं इसे एक बॉक्स में फिट करूंगा जो कि इलेक्ट्रिक टेप से इंसुलेटेड है सेफ्टी के लिए। साइड में एक स्विच लगा देता हूं और मॉड्यूल के दोनों आउटपुट टर्मिनल्स को होल्स के थ्रू बॉक्स के बाहर कर देता हूं। और ध्यान रहे कि दोनों टर्मिनल्स ज़्यादा पास पास ना हो। एक एलईडी लाइट भी लगा दिया है ताकि मॉड्यूल ऑन है या ऑफ या पता चले। और ये लिथियम आयन बैटरी बॉक्स में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गया है। तो अब सारे कनेक्शंस करने के बाद एक बार इसे ऑन करते हैं। ओके ग्रेट। तब एक एल्यूमिनियम फॉइल के साइड में एक वायर को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर इसे बॉक्स के पीछे कुछ इस तरीके से चिपका लेते हैं ताकि ये हमारे बॉडी से टच रहे। और दूसरे टर्मिनल को लंबे वायर से कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसे ग्राउंड के टच में रखना है। अब यहाँ पर मैंने एक स्लीपर ले लिया है और पतले सोल होने की वजह से एक सनबोर्ड को काट कर लगा दिया है ताकि मुझे कोई शॉक न लगे। अब एक एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर डबल साइडेड टेप लगा देना है ताकि इसे स्लीपर के नीचे चिपका सकें। लेकिन उससे पहले मैंने एक मैग्नेट ले लिया है और इसे सॉल में चिपका लेना है। और इसका क्या काम है अभी आगे पता चलेगा। अब इसे भी सॉल में अच्छे से चिपका लेते हैं और ध्यान रहे कि मैग्नेट जस्ट इसके नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ग्राउंड वाले वायर में एक वाशर को लगा दिया है। अब इससे होगा क्या कि पहले जो हमने मैग्नेट लगाया था ये उसे चिपक जाएगा और फिर इसे हम आसानी से अटैच डीअटैच कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब बारी इसे यूज़ करने का। यहाँ पर मैं इसे इलास्टिक की मदद से पहन लेता हूँ और ग्राउंड वाले वायर को भी स्लीपर में लगा लेता हूँ। और एक बात बता दूँ कि इसे ऑन करने के बाद गलती से भी ग्राउंड वाले वायर को टच मत करना। वरना आप तो खुद ही समझदार हो। और साथ ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टच मत करना। तो मैंने इसे ऑन कर लिया है और टेबल पे पेपर्स को भी काट कर रख दिया है। अब देखो ये कैसे मेरे हाथ ले जाने पर मूव होता है। लिटरली यार अलग ही एक्सपीरियंस है। पहले ये मेरे हाथ से अट्रैक्ट होता है, फिर हाथ से टच हो जाने के बाद रिपेल हो जाता है, इसलिए ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। वैसे इसके अलावा भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला था, बट वीडियो शूट करते समय गलती से मैंने दोनों टर्मिनल्स को टच कर दिया था और यार बहुत जोर का झटका लगा था। फिर उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं हुआ इसे दोबारा टच करने का, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। भाई अभी भी पेन हो रहा है जहाँ पे शॉक लगा था, इसलिए आप लोग भी सिर्फ वीडियो देखो, इसके साथ केयरलेस होना डेंजरस हो सकता है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने दोस्तों के पास जाऊँगा और उन्हें शॉक लगाऊंगा और खूब मजा आएगा। हाँ आएगा तो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा रिस्पांस रहा तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगा। और अगर आपके दिमाग में कुछ इंटरेस्टिंग आइडिया चल रहा है तो कमेंट करो, उसे भी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। ओके, तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो इसे फ्री में बनाने के लिए आपको एक हाई वोल्टेज जनरेटर जुगाड़ करना होगा और आप ये कर सकते हैं पुराने मॉस्किटो रैकेट को यूज़ करके। इसमें लगा हुआ सर्किट भी सेम काम करेगा बट ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है। तो इसे कॉम्पैक्ट बनाने के लिए और इसे डिटेल में समझने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लेना। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।